समाज में पिछले लंबे समय से, पिछले 2 साल से सोशल मीडिया का जो दुष्परिणाम हो रहा है, जिसके वजह से 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे और पति के जीवित होते हुए, पति के बैठे अच्छी अवस्था में बैठे हुए, ना तो उसकी किसी प्रकार से कोई दुर्घटना में मृत्यु हुई है, अच्छी अवस्था में बैठे हुए भी आप अपने पति को, अपने खुद के पेट के, आपके खुद के पेट के जने हुए बच्चों को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही हैं अपने उसी जिले के आसपास के क्षेत्रों में। तो क्या आसपास के जो पंच हैं, सरपंच है, पंचायत वाले हैं या जो महासभा है, वो इन चीजों को बार बार अनदेखा कर रही है, जिसके वजह से ऐसे महिलाओं और ऐसे पुरुषों के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं। मैं महासभा से एक करवत निवेदन करना चाहूंगी कि अगर समाज में इस तरह से लड़कियां या महिलाएं अपने पहले पति को छोड़कर जीवित अवस्था में अगर वो है और बिना किसी रीजन छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने स्वार्थ के लिए, फैसिलिटीज के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, अत्यधिक गहनों के लिए, अत्यधिक पैसों के लिए, रुतबे के लिए अगर छोड़ छोड़ कर जाने लगी, तो समाज में क्या मर्यादा रह जाएगी, समाज की क्या परिपाटी रह जाएगी। आप समाज के बड़े हैं, समाज के पिता तुल्य हैं, समाज के आप संरक्षक हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है आदरणीय देवेंद्र जी बुढ़िया सर, जब समाज ने आपको इतने बड़े पद पर सुशोभित किया है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि समाज की जो इस तरह से हरकत करने वाले जो महिलाएं और पुरुष हैं, आप उन पर लगाम लगाएं। आपके पास बहुत सारी ऐसी महासभा के अंदर ही कमेटियां बनी हुई है, जो समाज के छोटे छोटे गांव ढाणियों में जो इस तरह की हरकतें होती, उस पर आप बड़ा जुर्माना क्यों नहीं लगाते? आपकी महासभाओं को क्या नहीं सोचना चाहिए कि वो इन पर जुर्माना लगाए, जिससे कि दूसरे लोग अगर ऐसी हरकत करें कि हाँ, मैं उस औरत को लेके आ जाऊं, उसको पैसे देके उसको लेके आ जाऊं, वो औरत मुझे पसंद आ गई तो उसको 20 लाख देके बच्चे छोड़ के लेके आ जाए, पसंद आ गई औरत क्या कोई बाजार में सामान थोड़ी ना है कि पसंद आ गई 20 लाख 30 लाख में आ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे नमूने होते हैं जो गुलाबी हरे नोट देखकर अपने बच्चे, पति, ससुराल, माता पिता का मान सम्मान इन नोटों पर सब कुछ वो बेच देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे माता पिता का क्या सम्मान रहेगा, मेरे पिता की पगड़ी का क्या मान रहेगा, मेरी माँ और मेरे भाई किस शर्म से गुजरेंगे, वो समाज में कैसे सर उठा के चलेंगे, मेरे पति पर किस तरह के लोग टिप्पणियां करेंगे, मेरी 16 साल की बच्ची, 5 साल का बच्चा, उस पर क्या बीतेगी, उसे आगे उसकी से कैसी सगाई होगी, उस पर फ्यूचर में लोग उसको क्या क्या सुनाएंगे, कभी सोचा है? और मैं उन औरतों से भी एक बात करना चाहती हूँ कि आप वो समाज में कलंक हो जो पहले पति और बच्चों को, मतलब कुछ भी उसके लिए अच्छा नहीं कर पाई, तो आप उस दूसरे वाले को भी कुछ भी नहीं अच्छा कर पाएंगे, आप उसको कभी भी वो खुशी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले वाले को आप खुशी नहीं दे पाएंगे, दूसरे वाले को क्या देंगे, क्योंकि आप एक स्वार्थ में गई हैं, आप पैसों के, गहनों के लालच में चली जाती हो। अरे ये तो सोचो कि पैसों से, गहनों के लालच से परिवार नहीं चलते। अगर सुख हो अच्छा परिवार में, तो बहुत सारी चीजें एक टाइम के रोटी खाने से भी चल सकती है। इतने भी स्वार्थ में गिरो मत कि आपके बच्चे और आपके पति पर किस तरह की बीतेगी, आप क्यों सोच नहीं सकते। और मैं उन नालायकों से कहना चाहती हूँ जो पैसों के बल पर औरतों को लेके चले जाते हैं, हाय लगेगी आपको उन बच्चों की, हाय लगेगी, और हाय होती है ना बद्दुआ, वो बहुत बहुत सर्वनाश कर देती है, वो कुछ भी नहीं छोड़ती है। अच्छा पैसा, रुतबा, धन दौलत, गाड़ी, हाय में सब चला जाता है, और जब एक औलाद की हाय लगती है ना, वो बहुत बुरी होती है। मैं करवत निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय अध्यक्ष महोदय देवेंद्र जी गुड़िया सर, आप समाज के पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, आपका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है समाज के प्रति। अगर समाज में इस तरह से हर गांव ढाणी से एक एक एग्जाम्पल सेट होते रहे, तो लोग सबसे पहले आपको ही कहेंगे कि साहब, थारे समाज में लुगाया इंद्र चर्चा टाबर छोड़ छोड़ नशे करो के हो, कजाक कोई हो, मनसा मत पासणी दो मोटा मोटा दौड़ा पेर पेर, समाज में की लगाम लगाओ, कोई है पंच बना बना बेसाणो का के साथ सरपंच का चुनाव आ गया, हरपंच बन गयो, हरपंच करे के गांव की पंचायत भी निपटे ही का नहीं, वो सा मोटो पंच है भी न बुलाओ, वो सा मोटो पंच है भी न बुलाओ, अरे कराओ के। समाज का अध्यक्ष साहब, आप इस तरह से मौन नहीं बैठे रह सकते, और आप इतने घटनाओं के बाद भी आपने एक वक्तव्य नहीं दिया, और ना ही किसी प्रकार की इन घटनाओं पर बड़ा जुर्माना लगे। आज ये 16 साल की बच्ची अगर आपसे सवाल पूछेगी कि मेरी माँ चली गई, आपने किसी प्रकार के ना तो ले जाने वाले पर जुर्माना ना लगाया, और ना ही मेरे माँ के ऊपर जुर्माना लगाया। कल को हर बच्ची आपसे सवाल पूछेगी,
हर बच्चे के प्रति आपका दायित्व तो बनता है। आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप संरक्षक हैं। आज मैं भी समाज की बेटी होने के नाते आपको निवेदन कर रही हूँ, और समाज की हर बेटी आपसे इस तरह से निवेदन करेगी, तब तो आप जागेंगे। सर, यह आपका आपका प्रथम कर्तव्य बनता है, पहले समाज की मर्यादा लांघने वालों को आप कठोर दंड दे, क्योंकि समाज ही नहीं बचेगा तो अध्यक्ष कहां से बचेगा? समाज ही नहीं बचेगा तो फिर आप किस तरह की खाप पंचायतें और पंच पंचायतें करेंगे? इसलिए पुनः एक बार निवेदन करना चाहती हूँ, ऐसी घटिया कुकृत्य करने और निर्लज घटनाओं पर जितना हो सके उतने जल्दी से जल्दी आप लगाम लगाने का कष्ट करें। आप सभी को एक बार पुनः सादर नमन प्रणाम, और इस पर आप सभी संज्ञान में लें ऐसी घटनाओं को। धन्यवाद।